सो फ्रेंड्स, हम चल रहे हैं मैन पार्ट, और मैन पार्ट है छत्तीसगढ़ का शिमला। और वहाँ बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लोर करने वाली हूँ, जैसे कि हो गया टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट, जलजली क्षेत्र, और कुछ तिब्बतियों लोग का मंदिर भी है। तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ कवर करूँगी। यहाँ से आप लोगों को 200 से 250 किलोमीटर की दूरी है, और यहाँ पे हम लोग निकले थे 3 से 4 बजे के आसपास। बहुत ही अच्छा व्यू था, घाटी वाला रास्ता है। सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ ब्लॉग को इंजॉय कीजिएगा। और आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पहुँचते पहुँचते हमें हो गई थी रात, और हम लोग पहुँच चुके थे अंबिकापुर। तो अंबिकापुर से मैनपाट की दूरी जो है 60 किलोमीटर के आसपास है, जो आपको 1 से 1.5 घंटा पड़ेगा। तो वहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया, एक बहुत ही सुंदर सा रूम लिया, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो कि वहाँ अंबिकापुर बहुत ही अच्छी सिटी है, आप लोगों को रायपुर जैसी सिटी होगी, बहुत ही अच्छा है। एक्सप्लोर तो नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग लेट नाइट पहुँचे थे। उसके बाद ये हमारा रूम, और उसके बाद हम लोग नाइट में पार्टी वार्टी करके, क्योंकि सारे तरफ में न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी, 31st का डे था। तो सारी चीज़ें हम लोगों ने शेयर की हुई है आप लोगों के साथ, और यहाँ पे हो गया क्या बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये देखी, ये हमारा होटल। सुबह सुबह हम सारे लोग रेडी हो रहे थे, रेडी होने के साथ साथ थोड़ी सी मस्ती भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग हो गए हैं रेडी और जा रहे हैं अभी हम, और यहाँ पे बना रहे हैं हमारे सर कॉफी। ओफो, कॉफी का कलर देखिए, डार्क कॉफी। ओ शिट, दैट्स फॉर चाय बनाएंगे क्या सर हमारे लिए आप? ओके ओके ओके। रूम में तो फुल फैसिलिटी सर, आप रेडी हो रहे हैं? कितने टाइम तक रेडी हो जाएंगे? ओके, हम लोग कर रहे हैं चेकआउट, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट में कि अपन क्या करेंगे। सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ थोड़ी थोड़ी शेयर करूँगी। फोटोज़ यहाँ पे अच्छी आ रही है। चलिए, और रेडी हो गए? बहुत लेट है, रेडी टू गो। ठीक है फिर। सो फ्रेंड्स, मैन पार्ट निकलने से पहले हम लोगों ने पहले पेट पूजा की, भर भर के कुछ कुछ खाया, सारी चीज़ें खा ली हम लोगों ने, और उसके बाद हम लोग फिर से निकल पड़े मैन पार्ट के लिए। 1 से 1.5 घंटा ही लगेगा आप लोगों को। तो चलिए, तो फिर थोड़ा सा आप व्यू एंजॉय कीजिए। घाटी वाला रूट है, और बहुत सारे कलाकृतियों के साथ हम जाने वाले हैं मैन पार्ट। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने रुक कर थोड़े से फ़ोटो खिंचवाए, सारे लोग अपने अपने पोज पे फ़ोटो खिंचवा रहे थे। उसके बाद घाटी वाला रास्ता स्टार्ट हो गया, और फिर फाइनली हम लोग फर्स्ट टाइम पे, आप लोगों को बता दूं, जब भी आप मैन पार्ट जाएँ तो एक दरअसल एक मेन पॉइंट है, वहाँ से सारी जगह एक साथ कवर हो जाती है। वहीं से जलजली क्षेत्र और फिश पॉइंट या फिर टाइगर पॉइंट, सारी चीज़ें वहीं पे है, बिल्कुल साइन बोर्ड लगा हुआ है, आप लोगों को कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे जलजली क्षेत्र, जहाँ पे जो बोला जाता है कि धरती हिलती है। तो यहाँ पे हो रही थी बाइक राइडिंग, और यहाँ से आपको गाड़ी थोड़ी दूर पर रख के आप लोगों को चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी दूर चला, और सो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं जलजली क्षेत्र। चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहुँच चुके हैं, चलिए देखते हैं। रश तो बहुत ज़्यादा है, ये देखिए, ये एरिया होने वाला है, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे सारे लोग कूद कूद के देख रहे हैं कि सच में हिल रही है कि नहीं। सच में यहाँ पे जो है नीचे दलदल है, और ऊपर जो है रेत और मिट्टी की परत है, तो इस तरीके से यहाँ पे कंपित होती है यहाँ पे का जो क्षेत्र है, यहाँ पे का जहाँ तक की एरिया है ना, जो ये मेन एरिया है, यहाँ पे ऐसा ही बना हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ नया देखा, और ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये बाबा जी हैं जो शंख बजा रहे थे।
ये क्या है? ये भूल शंख है। इससे क्या हो रहा है? जमीन का शंख है। आपको जमीन शंख होता है ना, जैसा शंख। अच्छा, हम लोग भी बजा सकते हैं? हम लोग भी बजाइए। कौन ट्राई करना चाहेगा? आवाज आएगा। ये कैसे हो रहा है बाबा? बाबा ये कैसे हो रहा है? नमी का दल है ये। हाँ, इसके अंदर नमी पानी कीचड़ पानी है। ला, हाथ धो लीजिए। जय गंगा मैया। ऐसा ला, थोड़ा सा पानी छू ला। हाँ, जय माता हर हर महादेव। जय गंगा मैया। स्नान भाग में सिद्ध होगा। ये नमी कीचड़ है मैया, क्या रहेगा? जो गर्दन एरिया है, जैसे हम लोग खाना पीना खाए हैं वैसा ही कीचड़ पानी भरा है। यही सो फ्रेंड्स, हम लोग निकल पड़े हैं यहाँ से हॉर्स राइडिंग के लिए। थोड़ी सी देर में हॉर्स राइडिंग हो रही थी, तो हम लोगों ने सोचा कि निकल लेते हैं। तो यहाँ पे सब अपने अपने घोड़े पे बैठ रहे हैं। तो चलिए थोड़ी सी राइडिंग एंजॉय करते हैं, फिर आप लोगों के साथ मिलती हूँ। कि इस एरिया में बाइक राइडिंग थी, वो भी हम लोगों ने ट्राई किया है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइडिंग चल रही है, कार राइडिंग। ये देखिए हमारे हीरो जबाज जा रहे हैं, कुछ देर में हम लोग भी जाएंगे। देखते हैं पहले इन लोग का ट्रायल में कैसा चल रहा है। ये देखिए इन लोग का ट्रायल चल रहा है, उसके बाद हम लोग जाएंगे। भाई थोड़ी सी तो है डर वाली, और देखते हैं अच्छी खासी चल रही है इन लोग की। अब हम लोग भी ट्राई करते हैं, सब वीडियो को बैक कैमरे से मैं दिखाती हूँ इनकी राइडिंग। अच्छी खासी वीडियो बना रही है, कर रहे हैं ये। चलिए फ्रेंड्स, दिखाती हूँ आपको रश कितना ज़्यादा है। देखिए बहुत ज़्यादा रश है न्यू ईयर पे। आज मेरे भैया का बर्थडे है, तो हम लोग रात में पार्टी भी करने वाले हैं। फिर हम लोग निकल पड़े हैं जलजली क्षेत्र से दूसरा पॉइंट कवर करने के लिए। दूसरा व्यू सबसे पहले कौन सा पड़ता है, चलिए देखते हैं। आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सोडा, हम कहाँ पहुंच चुके हैं बताओ? हम पहुंच चुके हैं फेस पॉइंट, और यहाँ हम जा रहे हैं झरना देखने के लिए। चलिए आज तो चलिए फिर आप लोग को फिश पॉइंट दिखाते हैं। पहुँच चुके हैं हम लोग, पहुँच चुके हैं फिश पॉइंट। तो यहाँ पे भी थोड़ी दूर हम लोगों को चलना पड़ेगा, और यहाँ पे ना थोड़ा सा एंट्री करने में थोड़ा सीढ़ी से है, और बहुत ही अच्छा व्यू होने वाला है। चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं। ये देखिए कितना बहुत ही नेचुरल व्यू है, बहुत ही सुंदर सा है। और यहाँ का झरने का पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, और बहुत ही बेस्ट पॉइंट है मैनपाट। बहुत ही ठंड लग रही थी यहाँ पे। वैसे तो हम लोगों ने जब धूप निकला तो बिल्कुल भी ठंड नहीं थी, लेकिन उसके बाद बहुत ही ठंड हुई। चल मैं देख के आता हूँ।
तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं मैनपाट में उल्टा पानी, और यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हाइट बहुत ज़्यादा है लेकिन पानी का बहाव नीचे से मतलब ऊपर से नीचे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट है इसलिए उल्टा पानी कहा जाता है, नीचे से ऊपर जाता है। ठीक है, तो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ, प्लीज़ कंटिन्यू। चलिए आपको एक ट्रायल करके दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हाइट ऊपर है लेकिन पानी जो है ऊपर से नीचे की ओर नहीं, नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। ये बॉटल उसी तरीके से ऊपर जा रही है जबकि इसे नीचे साइड का बहाव होना चाहिए। तो यही है उल्टा पानी, और उसके बाद हम लोगों ने सारे पॉइंट कवर किए। अबे इसका पत्ता गिर गया। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का ब्लॉग प्लीज़ कमेंट डाउन करके बताइएगा ज़रूर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियोस के साथ, नए ब्लॉग के साथ, और ये रही हमारी फैमिली के साथ बर्थडे पार्टी। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ओम, हैप्पी बर्थडे टू यू।